वेलकम बैक अगेन चिल्ड्रन एंड एक्साइज टू पॉइंट फोर क्वेश्चन फाइव सेकेंड डूइंग सो लेट्स स्टार्ट दिस वन अगेन अभी हमें वापस से क्या करना है ये क्यूबिक पोलिनोम अब जब भी क्यूबिक पोलिनोम का हमें फैक्टराइज करना है वट इज द क्वेश्चन कि वी हैव टू फैक्टराइज दिस वन वी हैव टू फैक्टराइज सो हमें जो भी कॉन्स्टेंट टर्म गिवन है विच एवर कॉन्स्टेंट टर्म इज गिवन टू अस हमें जो ये कॉन्स्टेंट टर्म दे रखा है उसको हम क्या करेंगे उसके से पहले हम फैक्टर्स ले लेंगे तो फैक्टर्स ले लेते हैं माइनस फाइव के फैक्टर्स ले लेते हैं तो लेट्स लुक अबाउट द फैक्टर्स सो फैक्टर्स ऑफ माइनस फाइव आर फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे माइनस फाइव के एक्स होता है वन एक होता है फाइव एक होता है माइनस वन एक होता है माइनस फाइव तो ये फोर फैक्टर्स आ गए अब आप देखिए इन फोर में से कोई एक फैक्टर तो होगा ही इसका इस पूरे क्यूबिक पोलिनोम में इसका एक जीरो होगा या तो इन चारों में से कोई एक जीरो जो इसको जीरो बना देगा पोलिनोम की वैल्यू को तो ऐसा जीरो होगा ही तो वो हम उसको फाइंड आउट करते हैं तो हम एक एक करके रखेंगे पहले हम निकालते हैं पोलिनोम हमने नेम कर देते हैं पोलिनोम को पोलिनोमिल को हम पी दे देते हैं पीएक्स की वैल्यू हो गया अब इस पोलिनोमिल में हम एक्स की जगह कितना रख देते हैं सबसे पहले वन रख देते हैं तो देखते हैं वन रखें हम सबसे पहले हम पी निकालते हैं अब ये ट्रायल है एरर मेथड है ये हम ट्रायल कर रहे हैं बाय ट्रायल ओनली वी आर डूइंग हमें अभी पन्फर्म नहीं है कि इसका ज़ीरो है हमें ये फोर वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू जीरो होगी ये पक्का है मगर हमें ये कन्फर्म नहीं है कि वन है कि नहीं है तो हमें ट्राई करेंगे और उससे हमको कुछ रिजल्ट मिलेंगे एरर मिलेगी हो सकता है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपको इतना रखना है वन रखना है वन क्यूब माइनस थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस नाइन इंटू वन माइनस फाइव अब आपको क्या करना है इसकी वैल्यूज रख दी अब आपको सॉल्व करो वन का स्क्वायर वन थ्री वन थ्री माइनस नाइन एंड माइनस फाइव अब आप करिए कितना आया वन नाइन एंड थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व एंड फाइव सेवनटीन माइनस सेवेंटीन वन में सेवनटीन गए माइनस सिक्सटीन जीरो नहीं है तो ज़ीरो नहीं है तो पी वन पी वन इज़ नॉट इक्व टू जीरो पी वन इसका जीरो नहीं आया है ठीक है अब हम क्या करेंगे अब रखते हैं माइनस वन हमने वन रख दिया अब माइनस वन भी ट्राई कर लेते हैं फिर फाइव ट्राई करेंगे फिर माइनस फाइव ट्राई करेंगे तो अब हम निकालते हैं पी माइनस वन झहाजा झाजा क्या है एक से वहां कितना रखना है अपन को माइनस वन रखना है तो रख देते हैं जहा जहां एक से वहां माइनस वन रख देते हैं ये देखिए ये रख दिया अपन ने कितना आया माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव वन इंटू थ्री माइनस थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस नाइन माइनस फाइव नाइन नाइन में से फोर गए प्लस फाइव फाइव माइनस फाइव कितना हो गया फाइव में से फाइव गए ज़ीरो आ गया तो हमारा पी माइनस वन कितना आ गया ज़ीरो आ गया अगर पी माइनस वन जीरो आ रहा है मीन्स क्या हो गया ये इसका फैक्टर हो गया है? तो सिंस पी माइनस वन इक्वल टू जीरो इट इम्प्लाइज एक्स माइनस उधर आ गए तो प्लस वन एक्स प्लस वन ई से फैक्टर हो एक्स प्लस वन किसका फैक्टर हो गया आपका पोलिनोमिल का ये फैक्टर हो गया ठीक है अब हमें क्या करना है डिवाइड लगाना है इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं है जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में किया था कॉमन ले लिया था इसमें ऐसा कॉमन नहीं है आप ट्राई कर सकते हैं अब हमें क्या करना है डिवाइड लगाना है तो डिवाइड लगा देते हैं चलिए ये पोलिनोवल हमारा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव को हमें किससे डिवाइड लगाना है एक्स प्लस वन से हमें इसको डिवाइड लगाना है तो बताइए एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब आ जाए किसका एक्स स्क्वायर का क्या आया एक्स क्यूब आया माइनस किया कैंसिल आउट हो गया वन इंटू एक्स स्क्वायर कितना हुआ एक्स स्क्वायर हुआ माइनस प्लस का क्या हुआ माइनस माइनस करा तो कितना आया माइनस फोर एक्स स्क्वायर आया ऊपर से उतारिए माइनस नाइन एक्स अब बताइए एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ जाए माइनस फोर एक्स का तो कितना आएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का क्या हुआ प्लस प्लस तो क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया वन इंटू माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस का क्या हुआ प्लस माइनस नाइन प्लस फोर गए माइनस फाइव एक्स ऊपर से तारा माइनस फाइव आप क्या करेंगे एक्स के अंदर क्या मिनट लगा करें माइनस फाइव एक्स आ जाए माइनस फाइव का तो कितना आया माइनस फाइव एक्स माइनस का क्या हुआ पॉजिटिव क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया वन इंटू माइनस फाइव कितना हुआ माइनस फाइव माइनस का क्या हुआ प्लस प्लस तो क्या हुआ कैंसिल हो गया तो देखिए अब हमारे को ये पूरा फैक्टर है इसका और चेक भी हो गया और अब हम इसको क्या करना है इसकी हमको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देनी है अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद ये क्वाड्रेटिक पोलिनोवेल है इसके दो जीरोस और निकल जाएंगे तो दो जीरोस इसके और एक जीरो इसका हो गया तो थ्री जीरोस होते हैं क्यूबिक के अंदर मैक्सिमम तो अब इसकी अपन मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर करो ए कितना है वन कुछ नहीं है तो वन बी कितना है माइनस फोर और सी कितना है माइनस फाइव है ठीक है अब हमें दो नंबर चूज करने हैं प्लस करने पर हमें क्या चाहिए प्लस करने पर चाहिए हमें बी बी मतलब माइनस फोर चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए सी ए इंटू सी ए इंटू सी ए कितना है वन है और सी कितना है माइनस फाइव यानी कितना चाहिए माइनस फाइव तो हमें माइनस फाइव के फैक्टर्स लेने हैं माइनस फाइव के फैक्टर्स क्या आ गए माइनस फाइव के फैक्टर्स ले लेते हैं अपन देखो तो माइनस फाइव के क्या क्या फैक्टर्स आ गए हमारे वन है माइनस वन है फाइव है और वन माइनस है वन और फाइव है एक्चुअली तो अब वन और फाइव दो ही फैक्टर्स हैं अब उससे तो हम बना लेंगे रिजल्ट वन है हमारे पास और फाइव है तो अब वन और फाइव के फैक्टर्स बनाइए बताइए दो वैल्यूज बताइए अब मुझे कि ये आ जाए तो देखो क्या होता है देखो हमें चाहिए प्लस करें माइनस फोर तो आ रहा है वन में से फाइव गए माइनस फोर आ रहा है तो हो गए अटैम्प्ट में हो गया तो हमारा स्प्लिट हो गया वन इंटू माइनस फाइव करेंगे तो माइनस फाइव भी आ रहा है तो क्या फैक्टर्स आ गया वन और माइनस फाइव आ गया तो टर्म स्प्लिट हो गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव में से वन गए माइनस फोर और माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव भी आ रहा है अब हम क्या करेंगे पेयर्स बना लेते हैं ये दोनों के और ये दोनों के क्या कॉमन आ रहा? रहा, रहा है एक्स कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन ले लो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है वन वन कॉमन आया तो क्या बचा एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव वापस क्या आ गया कॉमन आ गया? गया क्या बचा अंदर एक्स प्लस वन तो पोलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए हमारे सारे तो पी एक्स क्या था हमारा पोलिनोमियल क्या था एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव के फैक्टर्स क्या आए पहला वाला क्या आया था एक्स प्लस वन आया और बाकी दो फैक्टर्स क्या आए हैं अभी हाल एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस वन आ गया तो देखिए ये फैक्टराइज हो गया ठीक है एंड डस्ट चिल्ड्रेन सो टू पार्ट्स लेफ्ट तो अब वो भी कर लेते हैं दो पार्ट्स और बचे हैं हमारे पास कंप्लीट कर लेते हैं सो सी चिल्ड्रन कि हमारा थर्ड पार्ट क्या है एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स माइ प्लस ट्वेंटी तो व हाउ टू फैक्टराइज दिस वी हैव टू फैक्टराइज दिस चिल्ड्रन हमें इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप कॉन्स्टेंट टर्म देख लीजिए इस कॉन्स्टेंट टर्म के आपको फैक्टर्स लेने हैं कुछ फैक्टर्स लेने हैं सो फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी फैक्टर्स ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म ट्वेंटी इक्वल्स टू क्या क्या हो सकते हैं प्लस माइनस दोनों लेना वन है माइनस वन है टू है माइनस टू है फिर फोर है और फोर है और माइनस फोर है फाइव है और माइनस फाइव है, है और टेन है और माइनस टेन है बहुत सारे फैक्टर्स हैं और माइनस फिफ्टीन है और सॉरी टेन हो गया ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी है और प्लस ट्वेंटी है ठीक है ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए अब आप ये देखिए बच्चों कि ये पूरी टर्म पॉजिटिव है इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं तो कभी भी ये जीरो नहीं बनेगा इसलिए आपको सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज चेक करनी है ओके अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रख दोगे सपोज अगर वन रखा तो वन का क्यों वन वन का स्क्वायर वन वन प्लस थर्टीन प्लस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी ज़ीरो आएगा ही नहीं कभी तो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि कहीं भी नेगेटिव नहीं है मीन्स आपको नेगेटिव टर्म्स इसमें होगी नहीं अपोजिट टर्म्स में लगेगी ही नहीं तो हमें नेगेटिव टर्म्स ही ट्राई करनी है तो सबसे पहले हमारे नेगेटिव टर्म्स क्या है माइनस वन है तो सबसे पहले हम माइनस वन को चेक कर लेते हैं तो अब पहले हम माइनस वन रख के देखते हैं पोलिनोम में ये हमारा है हम पी एक्स दे देते हैं इस पोलिनोम को इस पोलिनोम के अंदर हम माइनस वन रख रहे हैं जहां जहां एक्स है हम माइनस वन रखते हैं ओके अब आपको क्या करना है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस वन का क्यूब कितना हुआ माइनस वन माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव तो प्लस थर्टीन प्लस इंटू माइनस माइनस थर्टी टू एंड प्लस ट्वेंटी आपको क्या करना है इसके बाद ये प्लस का ये प्लस का थर्टीन और ये दोनों माइनस के तो माइनस थर्टी थ्री प्लस थर्टी थ्री आ गया कैंसिल आउट हो गया जीरो आ गया वाह wow, पहली बार में ही आ गया हमारा आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों अब आप आगे चेक मत करिएगा इसको अब हमें क्या करना है डिवाइड लगाना हमने अभी एक ही मेथड अपना रखा है डिवाइड वाला सबसे इजी मेथड है डिवाइड वाला इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है दूसरे मेथड्स भी है उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है वो भी हम ट्राई करेंगे अब हमें क्या करना है इस पोलिनोमल का डिवाइड लगाना है कौन से से फैक्टर से अभी क्या फैक्टर आया माइनस वन था इम्प्लाइस एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर हो गया एक्स प्लस वन इसे फैक्टर हो एक्स प्लस वन क्या आ गया फैक्टर हो गया किसका पोलिनोमल का तो अब डिवाइड लगा रहे हैं हम एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड लगाते हैं चलिए डिवाइड लगा देते हैं बताइए एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब आ जाए एक्स स्क्वायर का तो कितना आया एक्स क्यूब आया माइनस करा तो कैंसिल आउट वन इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हुआ प्लस क्या हुआ माइनस थर्टीन में से वन गए ट्वेल्व एक्स स्क्वायर ठीक है अब क्या उतार लो थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी कॉपी कर लो ठीक है अब आगे क्या करना है हमें बताइए एक्स में क्या वन करें ट्वेल्व एक्स स्क्वायर आ जाए ट्वेल्व एक्स का तो कितना आया ट्वेल्व एक्स स्क्वायर आया माइनस करो कैंसिल आउट हो गया वन इंटू ट्वेल्व एक्स कितना हुआ ट्वेल्व एक्स माइनस करो वापस से कितना आया ट्वेंटी एक्स ऊपर से तारा प्लस ट्वेंटी अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी का ट्वेंटी का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया ट्वेंटी एक्स माइनस करा कैंसिल आउट हो गया वन इंटू ट्वेंटी कितना हुआ प्लस ट्वेंटी माइनस करो ये भी कैंसिल आउट हो गया तो देखिए हमने क्या कर दिया हमारा ज़ीरो आ गया रिमाइंडर तो मतलब फैक्टर हो गया अब हमें क्या करना है इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं अपन तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी तो आप वापस से मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट सब बहुत इजीली पता चल रहा है प्लस करने पे चाहिए ट्वेल्व और मल्टीप्लाई करने पे चाहिए ट्वेंटी बताइए ट्वेंटी फैक्टर्स लीजिए टेन और टू टेन प्लस टू ट्वेल्व होता है और टेन टू जैर ट्वेंटी होता है देखिए जब आप बहुत बार मिडिल ट्रांसलेट कर लेंगे ना तो आपको बहुत इजीली आपको इतना करना नहीं पड़ेगा कि दो नंबर चूज़ करो प्लस करने पे ये मल्टीप्लाई करने पे ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं आप बहुत बार करेंगे ना तो आपको एकदम डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि क्या हो रहा है मिडिल ट्रांसप्लेट टेन और टू टेन प्लस टू ट्वेल्व और टेन टू जर ट्वेंटी बहुत ईजीली आप इसको निकाल सकते हैं ठीक है आपको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें बिल्कुल परफेक्ट होते जाएंगे तो दोन एक्स एंड टू एक्स सो तो टेन प्लस टू ट्वेल्व एंड टेन टू सा ट्वेंटी so, सो सी मैंने एकदम डायरेक्टली कर दिया इसको अभी हाल अभी आप क्या कॉमन निकल रहा है एक्स तो एक्स प्लस टेन आया हो यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है दिख रहा है साहब आप सबको टू कॉमन निकल रहा है तो टू कॉमन ले लेते हैं और हमने एक्स प्लस टेन वापस से कॉमन आ गया वापस और कॉमन आया तो क्या बचा एक्स प्लस तू. तो इसके भी फैक्टर्स निकल के आ गए और एक फैक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी था ही डेरफो पोलिनोमिल जो था हमारा वो क्या था पोलिनोमिल हमारा एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी ये हमारा पोलिनोमिल था तो इसकी वैल्यू क्या है पहला फैक्टर क्या था x प्लस वन था और अभी जो दो फैक्टर आए वो क्या है x प्लस टेन और x प्लस टू है तो देखिए ये क्या हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया अंडर चिल्ड्रन समझ में आया इसको तो अब हम हाँ, लास्ट पार्ट भी इसका कर देते हैं कंप्लीट नाउ सी द फोर्थ पार्ट टू आई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू आई माइनस वन चलिए इसको करते हैं वापस से इसके फैक्टर्स लेंगे वन के अगर इससे पहले अगर आप कॉमन लेके जरूर देख लीजिए बच्चों अगर आपको कुछ भी कॉमन आ रहा है देखिए इन दोनों में अंदर दोन में कॉमन लेके देख लीजिए अगर वो लगता है तो सबसे पहले वही ट्राई कीजिए अगर मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन ले चलिए अपन वाई एस्कोयर कॉमन लेके देखते हैं इसको वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर कितना अच्छा टू आई प्लस वन और इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस कॉमन है अगर माइनस कॉमन है तो अंदर कितना अच्छा टू आई प्लस वन बचा अब आप देखिए टू आई प्लस वन वापस क्या आ गया कॉमन आ गया अगर टू वाई प्लस वन कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस वन बचा अच्छा वन को क्या, सकते, है? 1 सकते, है? तो क्या 1, सकते हैं आप वन का स्क्वायर ले सकते हैं तो क्या रिजल्ट आया टू वाई प्लस वन ये लिख सकते हैं आप ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं तो देखिए ये हो गया मिल्ट ये आपका फैक्टराइज हो गया चिल्ड्रन बिना हमारे फैक्टर्स लिए बच्चों ऐसा बहुत कम बार होता है इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा सोचना है पहले कि क्या कॉमन निकल रहा है क्या कॉमन निकल रहा है तो पहले वो लगाइए और नहीं निकल रहा है तो फिर आपको लॉन्ग मेथड है सबसे पहले फैक्टर लेना है फिर एक फैक्टर आने के बाद डिवाइड करना है फिर डिवाइड करने के बाद उसकी बिल्टर स्पीड करनी है फिर आंसर आएगा अगर आपको लग रहा है कि कॉमन निकल गया है तो पहले आप कॉमन ले लीजिए और इजीली आप फैक्टराइज कर सकते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों सो कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू अगेन